ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में जिस गाड़ी से पैसे चोरी हुए उस पर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। धर्मशाला में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि हिमाचल सरकार को जनता को बताना होगा कि एमडी एचआरटीसी की गाड़ी में 2.5 लाख रुपए कहाँ से आए, वो गाड़ी किसको लेकर गई थी, कहाँ गई थी, किसकी इजाजत से गई थी और किसने इसकी लॉग बुक भरी और गाड़ी चंडीगढ़ में क्यों थी। आशा ने कहा कि अघोषित इमरजेंसी का प्रत्यक्ष प्रमाण वो 49 बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी बात रखी, लेकिन उस पर कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बुद्धिजीवी वर्ग ने जो अपनी बात रखी है उसका जवाब दिया जाना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ FIR करे। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। चंडीगढ़ में जिस गाड़ी से पैसे चोरी हुए उस पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। आज धर्मशाला में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि हिमाचल सरकार को जनता को बताना होगा कि MTHRTC की गाड़ी में 2.5 लाख रुपए कहां से आए और वो गाड़ी किसको लेकर गई थी और कहां गई थी और किसकी इजाजत से गई थी और किसने किसकी लॉग बुक भरी और गाड़ी चंडीगढ़ में क्यों थी। देश व प्रदेश में लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है। आशा ने कहा कि अघोषित इमरजेंसी का प्रत्यक्ष प्रमाण वो 49 बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी बात रखी, लेकिन उस पर कार्यवाही के बजाय उन लोगों के खिलाफ FIR कर दी गई। बुद्धिजीवी वर्ग ने जो अपनी बात रखी उसका जवाब दिया जाना चाहिए था, ना कि उनके खिलाफ FIR करे। हम इस पर कड़ा विरोध करते हैं। आशा कुमारी ने कहा कि आर्थिक मंदी का आलम यह है कि बांग्लादेश का टका भी रुपये से मजबूत हो गया है। आशा कुमारी ने कहा कि हालात जल्द नहीं सुधारे गए तो देश का बैंकिंग सिस्टम भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। आशा कुमारी ने कहा कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग को इन सब पर नजर रखनी चाहिए। आशा कुमारी ने BJP पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जुमलों वाली सरकारें जनता को मिसलीड करके सत्ता में आई है, इसलिए उपचुनाव में इस पार्टी को हराकर जनता दोनों सीटें जितवाएगी। बैंकिंग सेक्टर अफेक्ट हो चुका है, ये मैं इस बात से कह रही हूँ कि RBI का 176 लाख करोड़ रुपया जो है रिजर्व जो था उसको निकाल लिया गया है, और अगर आप देखेंगे तो ये फिगर उस फिगर से मैच करती है जो गैप था बजट में बिटवीन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और जो डेफिसिट है उसके बीच का गैप जो है वो 178 लाख करोड़ रुपए था। यानी इन्होंने टैक्सेस कोई रेज किए नहीं, GST की वजह से छोटा दुकानदार मर रहा है, छोटे बिजनेस वाले मर रहे हैं, GST के कलेक्शन हो नहीं पा रही है, तो इन्होंने अब बैंकों पे डाका डालना शुरू कर दिया है। इसका पहला जो उदाहरण है वो पटियाला एंड महाराष्ट्र बैंक है, जिसके निवेशक जो हैं दर दर भटक रहे हैं, उनको ये आदेश हो गए हैं कि वो अपना पैसा नहीं निकाल सकते। उनका बैंक में अगर 1 करोड़ रुपया भी है तो वो 6 महीने के अंदर 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं उठा सकते। जिसकी तबीयत खराब हो, किसी को बीमारी हो, किसी को जरूरत है, किसी की बेटी की शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, उसके पास पैसा है मगर वो निकाल नहीं सकता। ये पहला उदाहरण है। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दूसरा उदाहरण है। तीसरी बात यह है कि इन्होंने ये भी कहा है कि हम बैंक्स को जितने गवर्नमेंट के बैंक्स हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं इनको मर्ज करके कुल 4 बैंक छोड़ेंगे। ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, इस पे आपसे फिर कभी चर्चा करेंगे, मगर हालात ऐसे हो गए हैं कि आर्थिक स्थिति हमारी ये हो गई है, आर्थिक मंदी इतनी आ गई है कि रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट 72 रुपए तक चली गई है। और टका हम कहते थे कि कोई जिसके पास कुछ नहीं होता था हम कहते थे ये 2 टके का आदमी है, क्योंकि टके की कोई वैल्यू नहीं होती है, होती थी, पर आज बांग्लादेश का टका रुपए से ज्यादा जो है मजबूत हो गया है। 100 बांग्लादेश का टका आज 116 रुपए इंडियन के बराबर हो गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आर्थिक मंदी की तरफ जो है इशारा करती हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर हालात तेजी से सुधारे नहीं गए तो हिंदुस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है ये कम्प्लीटली जो है फेल हो जाएगा। आपने इन्वेस्टर मीट को भी डिसइन्वेस्टमेंट मीट कहा। इन्वेस्टर मीट तो है ही डिसइन्वेस्टमेंट मीट। विधानसभा में हमारे प्रश्न के जवाब में ये बात सामने आई कि 16 HPTTC के होटल ये बेचने जा रहे हैं, वो तो इन्होंने उस राइजिंग हिमाचल या जो भी इनकी वेबसाइट थी उसे हटा दिए, मगर 3 जो आयुर्वेदा विभाग की फार्मेसीज हैं उनको ये बेचने जा रहे हैं, जो लैंड है हिमाचल प्रदेश की उनको बाहर के लोगों को देने जा रहे हैं। अगर इनको होटेलियर्स को ही फायदा देना है तो क्या हिमाचल प्रदेश में कम प्रतिभाएं हैं? क्या हिमाचल प्रदेश के होटेलियर्स को और प्रोत्साहित करके इनको नहीं वो किया जा सकता?
लैंड माफिया को आप अपार्टमेंट्स एंड बिल्डिंग्स बनाने के दे रहे हैं, मैं नहीं मानती कि कोई वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में तब मानती कि बद्दी वगैरह में जहां पे हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां पे सारे के सारे यूनिट्स जो हैं एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं या अपनी क्षमता कम करते जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो आपको पता है कि देश भर में यही हालात है, मगर कैडबरी जैसी कंपनी ने अभी पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशा ने कहा कि बीजेपी में चल रही अंतर कलह के कारण विकास ठप पड़ा हुआ है। दो साल में कोई काम धर्मशाला में नहीं हुआ। पंजाब कांग्रेस प्रभारी एवं डलहौजी की एमएलए आशा कुमारी ने कहा कि उपचुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग को इन सब पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर से लेटर बम बाहर आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पूर्व मंत्री का फोन जब्त हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी लागू है, क्योंकि 49 वो लोग जिन्होंने सरकार को पत्र लिखा था, देश में फैल रहे नफरत के माहौल पर कदम उठाने की बजाय उन पर FIR कर दी गई, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। सत्ता पक्ष जो है वो दो साल में तो इन्होंने कुछ काम किया नहीं, खास करके धर्मशाला के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो अब ये धनबल और जो सत्ता का प्रयोग है, अपना जो बल है उसका प्रयोग करके और लोगों को दबाना चाहते हैं या गलत उसमें जा रहे हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना है कि जिस तरह से धनबल का यहाँ प्रयोग हो रहा है, इनके खर्चों पे वॉच रखना, इनकी जो ये सरकारी तंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सरकारी लोग इनके प्रचार में निकल रहे हैं, तो ये सारा चुनाव आयोग का काम है कि जब हम उनको कोई कंप्लेंट्स भेजते हैं उसको देखें। धर्मशाला में इन्होंने पिछले दो साल में कोई काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है आज वो अधर में लटका हुआ है। 90-10 की रेशियो में बनना था, अब 50-50 पे आ गया है। जो सरकार तनख्वाह के लिए लोन ले रही है वो स्मार्ट सिटी का अपना 50% पैसा कहाँ से लाएगी? जो यहाँ पे दफ्तर था फतेहपुर में चीफ इंजीनियर का, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स का, उसको उठा के ये मंडी ले गए। ट्यूलिप गार्डन जो बनना था उसको इन्होंने शेल्फ कर दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो 200 करोड़ के करीब की स्कीमें स्टेट गवर्नमेंट को भेजी हैं, वो उनका कोई अता पता नहीं है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो है ये अंतरकला से जो है ये ग्रस्त है। लेटर बॉम्ब जिसका मैं चर्चा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूल चुकी थी, लेकिन लेटर बॉम्ब एक दूसरे के बारे में अगर आया, ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि किसी एक पूर्व मंत्री का टेलीफोन जो है वो पुलिस जब्त करे लेटर बॉम्ब को लेकर के। इसी तरह से यहाँ के जो मंत्री हैं ये आपस में इनकी अनबन रही, उसकी वजह से धर्मशाला का जो विकास है वो रुका रहा। रोपवे जो बन रहा था वो भी अधर में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ अता पता नहीं है कि धर्मशाला का उसमें क्या स्टेटस है। तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार टोटली विफल है। इन्होंने कोई काम जो है दो सालों में नहीं किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि धर्मशाला की जनता कांग्रेस के जो हमारे युवा प्रत्याशी हैं उनको जिताएगी, उनको बनाएगी, और यहां से एक नया अध्याय जो है धर्मशाला के लिए चालू होगा। मैडम, पिछले कल जो है चंडीगढ़ में जो वाकया घटा उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अजीब सा वाकया है, क्योंकि गाड़ी जो है बताते हैं कि वो MD HRTC के नाम से रजिस्टर्ड है, उसमें से 2.5 लाख शायद नगद और कुछ जेवर चोरी हुए, और वो एक ब्यूटी पार्लर या स्पा के बाहर 5-6 घंटे से खड़ी थी। पहली बात तो क्या ये कानूनन इजाजत है किसी को कि वो 2.5 करोड़ कैश में लेके जा सकता है कहीं? 2.5 लाख कोई लेके जा सकता है? क्या कानूनन ऐसा प्रावधान है? कौन था उस गाड़ी में, किसके पैसे थे? चंडीगढ़ में वाकया हुआ है, चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित यूनियन टेरिटरी है, तो ये तो चंडीगढ़ पुलिस ही अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी कि इसका स्टेटस क्या है। मगर हिमाचल सरकार को ये जरूर बताना पड़ेगा अपनी जनता को कि MD HRTC की गाड़ी में 2.5 लाख रुपए कहाँ से आए, वो गाड़ी किसको लेकर के गई थी, कहाँ गई थी, किसकी इजाजत से गई थी।